छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के बिहड़ों में सरकार की योजनाओं का असर दिखने लगा है। सौर योजना किसानों को हो रही है और अब नारायणपुर की पहचान नक्सल नहीं बल्कि यहां के किसानों से बनने लगी है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें नारायणपुर की हैं, जहां भूपेश सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है। सूरज की रोशनी से माथे में चिंता की लकीर को मिटाने के लिए क्रेडा विभाग के जरिए अबूझमाड़िया किसानों के खेतों में बोर खनन कर सौर ऊर्जा के संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। इससे अब किसान अपनी बंजर भूमि पर खुशहाली की फसल लहरा रहे हैं। और फिर वो सोलर प्लेट लगाए हैं और फिर उसमें साग भाजी लगा था और फिर बिजली बिल घलोक नहीं आए और फिर सरकार सर के धन्यवाद। मो नाम हरि शांति बाई यादव की कार मेरा थन हमार घर सोलर प्लेट लगवाए हैं, साग भाजी जगाबो और कमाबो और गुपेश बगेला धन्यवाद। आजादी के 7 दशकों बाद यहाँ के किसानों को पीने के लिए शुद्ध पानी भी उपलब्ध होने लगा है, जिससे झरिया के पानी से ग्रामीणों को मुक्ति मिल गई है। खेती के क्षेत्र में आगे आकर नारायणपुर के किसान अपनी पहचान बनाने में जुट गए हैं। मोर नाम विक्रम है, मैं बुजमार ले बोलता हूँ। और पहले लाइफ नहीं रही से जो सोलर लगी सो में हम साग सब्जी लगाता नौकर बघेला धन्यवाद। हमार कर शुरू में लाइट नहीं रही से अभी सोलर लगी से तो विकट आमदनी होती और साग सब्जी लगा के मिला पानी वानी पिला के मिला बहुत कुछ होते, इसलिए मैं भूपेश सरकार ला धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संवेदनशील सोच का ही नतीजा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र अबूझमाड़ में आजादी के 75 साल बाद शासन की किसी योजना का लाभ यहां के ग्रामीणों को मिल पाया है। अबूझमाड़ की आबादी 80,000 की बताई जाती है। पिछले कुछ साल में पुलिस यहां पहुंच बना सकी है, नक्सली बैकफुट पर आए हैं। जिला प्रशासन अबूझमाड़ में सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने की कोशिश में जुटा है। 2016-17 से आज तक जो है लगभग 3300 किसानों के खेत में हमने सौर सुजला योजना के अंतर्गत सोलर ड्यूल पंप लगाया है। उससे जो है किसान दो फसली फसल ले सकते हैं और इसमें जो हमारे अबूझमाड़ क्षेत्र है वहाँ पर मसाहती कृषक हैं उनको भी इससे फायदा पहुँचाया गया है। इस वर्ष हमारा लक्ष्य है कि हम 1000 किसानों को और जो है सौर सुजला योजना के अंतर्गत सोलर ड्यूल पंप प्रदाय करेंगे। इससे आशा है कि उनकी खेती के जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी होगी। नारायणपुर में विकास को बढ़ावा देने के लिए भूपेश सरकार ने सौर सुजला योजना की शुरुआत की। ये योजना राज्य शासन की महत्वाकांक्षी और प्राथमिकता वाली योजना है। इस योजना के तहत नारायणपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में सिंचाई के लिए सोलर पंप लगाए गए हैं। शासन की महत्वाकांक्षी योजना सौर सुजला योजना के तहत जिसका क्रियान्वयन हमारे क्रेडा विभाग द्वारा किया जाता है, इसके लिए हमें ऐसे किसान जिनके यहाँ बोरवेल या फिर नदी नाला कुआं जैसे जल स्रोत उपलब्ध होते हैं परंतु सिंचाई के कोई साधन नहीं होते, बिजली की व्यवस्था नहीं होती, ऐसे किसानों के से प्रकरण तैयार करके उन्हें स्वीकृति की जाती है और उसके बाद हमारे द्वारा उस वहां पंप लगाकर सौर ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है जिससे किसानों को बहुत लाभ होता है। राज्य सरकार किसानों को 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपए तक के ऊर्जा संचालित सिंचाई पंप किसानों को दे रही है। इतना ही नहीं, सरकार किसानों को रियायती दरों पर पंप उपलब्ध करवा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने अबूझमाड़ के करीब 2,500 ग्रामीणों को मसाहती पट्टा देने के बाद पहली बार ओरछा में रहने वाले किसान विक्रम लाल लुसेंडी के खेत में सोलर पंप लगवाया। इस पंप के लगने से पूरे गाँव के ग्रामीण खुश है। शासन की महत्वाकांक्षी योजना सौर सुजला योजना, इसके अंतर्गत नारायणपुर जिले में 3300 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया एवं 40 गोठानों को भी सोलर पंप सिंचाई हेतु स्थापित किया गया है एवं इनसे अबूझमाड़ के कृषकों को लाभ हो रहा है। भूपेश सरकार की सौर सुजला योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना से कृषि कार्य करने वाले हितग्राही की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। सोलर पंप स्थापित होने से किसान मक्का सब्जी समेत अन्य फसल ले पा रहे हैं, जिससे इनकी आमदनी का स्रोत बढ़ा है और जिले के सिंचित क्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई है।
और ये सब संभव हो पाया है भूपेश सरकार की दूरदर्शी सोच और संकल्प शक्ति की बदौलत। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज़।